नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सुश नैन मोर हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा बहुत आगे बढ़े स्किलफुल हो क्योंकि वक्त ऐसा आ गया कि बच्चों को बहुत कुछ सीख बहुत जल्दी आगे बढ़ना होता है तो आज हमारे साथ एस आई पी अकेडमी के एमडी दिनेश विक्टर जी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि एस अवैक क्या होता है वो किस तरीके से आपके बच्चे के भविष्य को और ज्यादा उज्जवल बनाने में मदद कर सकता है सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू एंड धन्यवाद सुरेश जी फॉर आज के प्रोग्राम के लिए जी आ... सर ने बहुत लंबा वक्त दिया है आठ साल दिया आपने कॉरपोरेट में जॉब करते उसके बाद अचानक आपने फैसला किया कि कुछ अलग किया जाए 20 साल एस आई पी वैकस को चलाते हुए Correct. ये आइडिया कहाँ से आया और ये आइडिया <laughs> आज कितना हेल्पफुल लगता है आपको कैसा लगता है कि जो इनिशिएटिव लिया गया था वो आज देश के बच्चों का भविष्य बना रहा देश का भविष्य बना hmm. रहा है तो so, सबसे पहले जब हमने शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितना बड़ा होगा नेचुरली किसी को पता नहीं लगता कैसा होगा और और इसमें कितनी मेहनत लगेगी वो भी मुझे पता नहीं था लेकिन <laughs> <laughs> आप बच्चों की मेहनत कम कर रहे हैं <laughs> हाँ वो अलग है पर हम लोगों को कितनी मेहनत करनी उस टाइम लगा नहीं था तो पहले मेरी एजुकेशन अच्छी थी क्योंकि मैंने आई में किया था और फिर आई और मेरी अच्छी जॉब भी लगी थी और मैं अच्छा उस दिन उन दिनों, दिनों बैंगलोर में था और एक फॉरेन बैंक में काम करता था स्टैंडर्ड चार्ट बैंक तो लाइफ काफ़ी इजी था कंफर्टेबल था लेकिन जब हम यंग होते हैं थोड़ा कभी लगता है कि कुछ और करना चाहिए तो मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए कुछ नया करना चाहिए कुछ और नहीं कुछ नया करना चाहिए तो सबसे पहले हमने एक कंपनी मलेशिया में एक कंपनी थी सिप अकेडमी मलेशिया उनके साथ हमने टाइप करके हमको ये नॉलेज मिला ये कैसे हम कर सकते हैं इंडिया में तो हमने उनके साथ टाइप किया और तब से हमने शुरू किया और 2003 में जब हमने शुरू किया था तो काफ़ी कम था नॉलेज अगर के बारे में और दोनों बेचना बच्चों को कन्विंस करना और ये फ्रेंचाइजी को कन्विंस करना दोनों काफ़ी मुश्किल थे बिल्कुल बिल्कुल और आज के दिन हमारे पास ऑल इंडिया में कुछ 900 सेंटर्स हैं और आप जो भी देश के सिटी का नाम बताएँगे उसमें हमारा अच्छा चांस हमारा एक सेंटर होगा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में विदेशों में भी हाँ वो विदेशों में भी है वो तो है ही बट देश में काफी ज्यादा है जी, जी. और बाहर विदेश में भी है कुछ सेंटरों में है दुबई में है श्रीलंका में है न्यूजीलैंड कुछ कंट्रीज में जी, है। जी. पर इंडिया में देखा जाए तो आप कोई भी स्टेट का नाम बताइए हमारे पास वहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर्स होंगे मुझे लगता है इतना सुनने के बाद पेरेंट्स चाहते होंगे की आखिर ये है, है क्या, क्या? और हा, क्या हा, हमें अपने बच्चे को इसमें डालना चाहिए तो सीधा आते हम एस आई पी अबेक है तो लोगों ने सुना होगा गया के बारे में क्योंकि हमारे जैसी और भी कंपनियां हैं तो एबिक्स के बारे में सुना तो होगा कुछ कॉन्सेप्ट क्या है एवेक्स क्या है और लोग सोचते हैं सिर्फ मैथ्स के लिए यूज़फुल है और कुछ लोग देखते हैं कि ये मैथ्स के लिए यूज़फुल है बट मे बी लाइफ में यूज़फुल नहीं है या मे बी स्कूल में यूज़फुल नहीं।, नहीं है लेकिन मैं दोनों उनकी जो गलत हैं उसको मैं दूर करना चाहता हूँ तो सबसे पहली बात ये प्रोग्राम बहुत ही यूज़फुल है बच्चों की बेसिक स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए जो भी गणित में या मैथ्स की बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो, तो मैथ्स का फाउंडेशन नंबर है बिल्कुल अगर आप नंबर समझ नहीं पाओगे तो बाकी आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे नहीं। नहीं। जब मैं स्कूल में होता था लोग बोलते थे कि टेंथ तक आपको बस चार चीज़ अच्छा होनी चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तब टेंथ अच्छा कर सकते हो जी और कितना डराता है डराता <laughs> है यही चीज लेकिन मैं बताता हूँ कि अबेग्स के बाद ये चार ऑपरेशन करने बहुत ही आसान हो जाते हैं और बड़ी जल्दी से बच्चे कर पाते हैं सबसे पहली बात सो so, सुदेश जैसे हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर के पहले कि कैसे ये अबेग्स से बच्चों में इतनी बेनिफिट आती है उनको कितनी अरेथमेटिक्स स्किल सीखते हैं तो अभी हम क्या देखने वाले हैं हमारे पास दो बच्चे हैं और इन बच्चों ने हमारा प्रोग्राम किया हुआ है तो एक बच्चा है जिसने शुरू किया है और फाउंडेशन खत्म कर गया अभी एडवांस लेवल में गया और दूसरा बच्चा जो है उसने अभी एडवांस खत्म कर करके ग्रैंड मॉडल भी खत्म किया है तो हम अभी देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या सीखा है हमारे प्रोग्राम में आप देखने देखना चाहोगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक <laughs> है तो सबसे पहले पूछते हैं सो व्हाट इज योर नेमन साई चरण और कौन से क्लास में कुछ क्लास है क्लास थ्री तो ये अभी हमारा फाउंडेशन खत्म सिर्फ क्लास थ्री में है जी. तो आप उनसे पूछ सकते हैं कुछ सम्स तो आपके सिंगल डिजिट एडिशन के आपके पास? सप्टी रेडी रेडी स्टार्ट करते हैं एट सेवन फाइव सिक्स राइट करेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। डबल डिजिट आप पूछ सकते हैं वन डबल डिजिट? यस। ठीक है सिर्फ क्लास थ्री में टू डिजिट हाँ नाइनटी वन प्लस सेवन फोर थ्री थर्टी वन बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक <laughs> आपने कभी जल्दी पूछा बट फिर भी उसने आंसर दे दिया <laughs> गुड कि तो क्योंकि अभी, अभी फाउंडेशन मेंसो टू डिजिट का मल्टीप्लेशन भी आता है टू डिजिटर का मल्टीप्लेशन भी आता है हम लोग नॉर्मली सिंगल डिजिट करते हैं ना स्कूल में तो आपके पास अभी कोई फोन है कोई कैलकुलेटर है आपके पास हाँ मैं बड़ी सा, इजी से आपको सम पूछता हूँ इनसे पूछता इजी मतलब कौन से पूछता हूँ आप कोई भी डबल डिजिट नंबर बताइए कोई भी डबल डिजिट पूछिए पहले तो yeah. बड़ा छोटा आंसर है पूछ लेते हैं फिर भी सेवनटीन टाइम सिक्स बताओ सिक्स सेवनटीन इंटू सिक्स बड़ा आसान है आ गया सेन बट थोड़ा और बड़ा नंबर पूछते हैं okay. कुछ बच्चे सीखते हैं 17 टेबल

आसान से समझते हैं एक सिंगल डिजिट डिजिटते हैं है? तो कनिष्क थ्री प्लस सेवन फाइव टू नाइन फोर सिक्स वन टू एट फॉर सेवन एकदम सही एकदम सही एकदम सही ट्वेंटी सेवेंटी सिक्स थर्टी सेवन सेवेंटी फाइव फिफ्टी थ्री टू सिक्सटी वन एकदम ठीक एकदम ठीक यू कैन आज वन मोर लाइक दैट ओके टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव एट फोर हंड्रेड एंड सिक्स थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी वन दैट इज

एट हंड्रेड 9. 8064, राइट. नाइन ना. राइट. Right. बच्चों में जो स्किल्स hmm. कुशलता जो डेवलप होती हैं प्रोग्राम से उनकी कॉन्सेंट्रेशन hmm. उनकी विजुअल मेमोरी, hmm. उनकी लिसनिंग स्किल्स उनकी जो कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मनिर्भरता या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है right. आत्मविश्वास इससे बच्चे न ही मैथ्स में लेकिन उनके बाकी सब्जेक्ट्स में भी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं और ये जो बेनिफिट हमने देखा है बच्चों में सिर्फ स्कूल में नहीं जब ये बड़े भी होते हैं टेंथ में जाते हैं ट्वेल्थ में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं तब भी इनमें वो बेनिफिट दिखता है और बच्चे अच्छा करते हैं सो ये कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक लाइफ स्किल प्रोग्राम है तो इसलिए मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट हर बच्चे को आइडियली करना चाहिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट <laughs> लेकिन ये ओवरऑल पर्सनैलिटी को आपके इम्प्रूव करता perfect, है बच्चे की परफेक्ट पहले मैं थोड़ा पांच मिनट समझाता हूँ कि ये कैसे होता है चेंज तो so, लोग बोलते है, होता है बट ये तो कोई भी बोलते है, हो जाता है कैसे होता है हुँ. तो इसके लिए अगर मैं आपका पांच मिनट का वक्त लेके समझाता हूँ कि हुँ. कैसे बच्चों में फर्क दिखता है मैं बोल हो जाता है थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल और उसके बाद आपकी अगली क्वेश्चन है ये टीचर्स के सिखाने के लिए टीचर्स के लिए बड़ी अब और ये आपने देखा भी होगा नई ना देखा होगा देख लो अभी बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है सिंपल है ज्यादा मुश्किल नहीं है तो सबसे पहली बात एक अब में काफ़ी कॉलम्स है इसमें पांच पांच कहते हैं बीड्स कहते हैं इसको एक एक को बीड okay, कहते हैं okay. एक एक को बीड तो एक कॉलम में पांच बीड होते हैं okay. चार नीचे होते हैं और एक ऊपर होता है okay. और कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर्स को हम बीड्स में कन्वर्ट करते हैं बस यही कॉन्सेप्ट है नंबर को बीड में कन्वर्ट करते हैं okay. तो फॉर एग्जाम्पल एक बीड अगर ऊपर है इसका मतलब है नंबर वन ओके okay. अगर दो बीड ऊपर है इसका मतलब है नंबर टू तीन बीड नंबर थ्री और चार बीड नंबर फोर बड़ा सिंपल है आसान है ये ऊपर वाला बीट अगर नीचे हो जाता है इसको कहते हैं नंबर फाइव okay. पांच mm -hmm. और ये ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक मिला के आते हैं तो नंबर हो जाता है जी. कैसे छ पांच और एक okay. mm -hmm. और ये छत आठ और नौ mm -hmm. और जब दोनों अलग हो जाते हैं ये है नंबर जीरो okay. शून्य mm -hmm. तो शून्य भी इंपॉर्टेंट नंबर है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तीन बिल ऊपर रखा इसका मतलब नंबर तीन और इसको मैंने ऐसा रखा तो ये हुआ सात okay. सेवन फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन ठीक है और ये जो हमने ब्लैक का मार्क रखा है इसको okay. इसका अगला रॉड है थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड सोन तो अगर हमने एक ऊपर बताया था यह नंबर एक हुआ नंबर वन यही एक बीड मैंने यहाँ पे टेंड में किया ten. तो बता नंबर टेन कैसे टेन वन टेन या एक जीरो एक शून्य और ये हुआ नंबर एक शून्य शून्य हंड्रेड और ये हुआ एक हजार एक और नंबर दिखाता हूं ये हुआ नंबर तीन करेक्ट अगर मैंने ऊपर वाला बीड साइड अगले ये बीड में एक किया और यहां पे तीन ये हुआ नंबर तेरह तो ये कॉन्सेप्ट जब हम समझाते हैं बच्चों बट सब इतना ईजी नहीं है थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेशन है बट कॉन्सेप्टच्ली आइडिया सिंपल है तो बच्चों को अगर सिखाते हैं तो हम छोटे आबे सिखाते हैं गे. ये टीचर के लिए तो ये सेम करते हैं बच्चे लेकिन अगर हम अगले लेवल में जाएँ सेकंड लेवल में तो बच्चों को हम सिखाते हैं कैसे इसके साथ काम करते हैं और इसके बिना भी काम कर सकते हैं इसके बिना कैसे बच्चे काम कर सकते हैं जो आपने ये बड़ा आबा किसमें देखा या छोटे अब किसमें देखा इसे हम बच्चों को ब्रेन में विजुअलाइज करने का ट्रेन देते हैं जो आपने वहाँ देखा या अपने ब्रेन में देखो और उसी प्रकार वन प्लस लेवन करो तो क्या दिखा आपको बारह ट्वेल्व 12 51 करो क्या दिखा आपको हाँ सिक्सटी hmm. थ्री hmm. इस पूरे ट्रेनिंग में बच्चों की क्या क्या स्किल्स डेवलप होती है तो सबसे पहला स्किल आपने देखा होगा कि बच्चों को नंबर का डर चला जाता है बच्चे मैथ सबसे बड़ी बात बच्चों को मैथ्स से डर नहीं होता है क्योंकि सबसे ज्यादा लगता है सबसे ज्यादा सब बच्चों को होता है मेजर बच्चों को होता है अगर हमने क्लास में देखा अगर हमने देखा है।, है।, अच्छा है तो आपकी राइट ब्रेन भी डेवलप होती है और इससे बच्चों का बाकी सब्जेक्ट में भी उनका इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट बढ़ता है पेरेंट्स बोलते हमारे बच्चा जल्दी काम कर लेते हैं अभी फ्री बैठा है क्योंकि वो जल्दी सीख लेता है जी, उसको जी. रिपीट करने की जरूरत नहीं होता <laughs> इसमें बच्चों को एक हफ्ते का जो इन्वेस्टमेंट है दो घंटे का टाइम देना पड़ता है क्लास का और घर में दस या पंद्रह मिनट का काम होता है डेली तो मिला कुल मिला के तीन घंटे का टाइम हफ्ते में देना पड़ता है बस और ये बच्चों के यंग एज में तीन साल, चार साल का पता ही नहीं कुछ नहीं कुछ बहुत नहीं अच्छी आदत आप डाल दो घंटे बस बिल्कुल उनका फ्यूचर बचा लेंगे जो जनरेशन के फ्यूचर बचाने की बातें होती है क्या आप आज जो ऑनलाइन गेमिंग और ये सब है बच्चे खराब हो रहे हैं तो इसमें लगाई अपने बच्चों को लेकिन आ, साथ ही आप फ्रेंचाइजी चलाते हैं मतलब सेंटर्स हैं आपके ऑल ओवर इंडिया और अदर कंट्रीज़ में भी तो वो क्या कॉन्सेप्ट है और कोई अगर वो करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है तो सबसे पहली बात जो हमारे पास जो 900 सेंटर हैं मेजॉरिटी इसमें वुमेन चलाते हैं बट मेन भी चलाते हैं ऐसा नहीं है मैन भी नहीं चला सकते बट ऐसा हुआ है कि मेजोरिटी वुमेन चलाते हैं और हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ये बिज़नेस में ज़्यादा नहीं है मे बी या पाँच लाख और एक बार आपने बिज़नेस शुरू किया तो ओवर मे बी तीन या चार महीने के अंदर मे बी इवेंट्स के जल्दी कभी कभी दो तीन महीने में आपका ब्रेक इवेंट हो जाता है hmm. और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बच्चे आते हैं एक शेयर आपको जाता है एक शेयर टीचर को जाता है और एक शेयर कंपनी को आता है मेजॉरिटी शेयर ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी को जाता है, okay. share, को जा है। जी. और जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ती है hmm. तो वेरी सिंपल अगर आपके पास डिपेंडिंग ऑन द सिटी जो भी आप सिटी में हो सर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूपी में समझो एक सिटी में आपने सेंटर शुरू किया आपके पास 100 बच्चे 200 बच्चे हैं तो आपका इनकम क्लोज टू वन लैक पर मंथ के ऊपर हो जाएगा लेकिन वो कांटेक्ट कैसे करें कि उनको अगर कोई चाहता है कि ये फ्रेंचाइजी बहुत ही सिंपल है हमारे पास वेबसाइट है जैसे में जाइए वहाँ पे हमारे पास फ्रेंचाइजी का पेज है अब आपका नाम दे सकते हैं और ज़रूर हम आपको कॉन्टैक्ट कर देंगे दूसरी बात हमारे फ्रेंचाइजी के हमारे सब ऑफिस की डिटेल्स भी हैं तो हमारे पास लैक से दिल्ली में ऑफ़िस है राजस्थान में ऑफिस है यूपी में ऑफिस है बिहार में ऑफिस है झारखंड में ऑफिस तो आपके ऑफिस के जो भी हेड हैं उनके नंबर भी है मोबाइल नंबर ही है आप डायरेक्टली उनको कॉल भी कर सकते हैं और वो आपको कांटेक्ट करके आपको दे सकते हैं और आप हमारे जो बाकी सेंटर्स से हैं उनसे जाके मिल सकते हैं आपको पता तो आप है आइडिया भी पता चलेगा कैसे कर सकते हैं बच्चा हाँ, अभी एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी बच्चा सीख सकता है लेकिन हम मिनिमम लेते हैं बच्चों को नॉर्मली क्लास टू या क्लास वन के बीच में क्योंकि बच्चों को दो घंटा बैठना है क्लास में बिल्कुल तो अगर यूकेजीएल के जो वो बैठ नहीं पाता इतना तो थोड़ा ओल्डर होगा तो बैठ सकता है सबसे पहली बात और दूसरी अपर एज देखा जाए तो यूजुअली हमारा देखा है मेजोरिटी क्लास फाइव क्लास सिक्स के अंदर आते हैं बच्चे बट ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे भी नहीं आ सकते बट क्या होता है कि नॉर्मली उनका प्रेशर होता है स्कूल में काम ज्यादा हो जाता है होमवर्क ज्यादा हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो उनको समय नहीं मिलता करने को लेकिन जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है वो फ्रूटफुल नजर आ रहा है मतलब जिस तरह से स्प्रेड हुआ है, सब, और सब बच्चों बच्चों को को है बच्चों को बेनिफिटेशन है मतलब ये आप शुरुआत है उसकी आप नीव रख देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके बच्चों को बहुत फायदा होता है मुझे लगता है की आप नाइन्थ से जो कोचिंग का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया वो क्यों ना थोड़ा पहले आया आपको माइंड मेकअप मिल जाएगा बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी

इस मुहिम में आपका योगदान हो सकता है तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमको बेटर भारत बनाना है बेटर इंडिया बनाना है कि हमको देखना चाहिए कि हमारे लोग बेहतर हो चलो रोड अच्छे हैं ट्रेन अच्छा है बट हमारे लोग बेहतर होने चाहिए और लोगों को बेहतर बनाने का सबसे पावरफुल मेथड यही है एजुकेशन और सबसे बड़ा कोई हथियार नहीं हमारे और बेस्ट एज है जब बच्चे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं उनको एजुकेट करना उतना आसान नहीं है जी, जी, जी. लेकिन अगर चिल्ड्रन है उनको अगर बट पंद्रह साल सोच के आगे सोच के करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बिल्कुल, बिल्कुल आज हर गवर्नमेंट को पाँच साल के सोच के सोच है कौन पंद्रह साल का सोचता है बिल्कुल बिल्कुल बट हमारी एक्चुअली वे लकी मैं कह रहा हूँ हम लकी हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ हम अच्छा कर भी सकते हैं और फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है और इनकम भी अच्छा लोगों का और वुमेन को भी एम्पावर मिल रहा है और क्या चाहिए अपने को फायदा ही फायदा इसमें बिल्कुल और जिस तरीके से हम हिंदुस्तान को भारत को बदलता देख रहे हैं ऐसा नहीं कि बदल रहा है हिंदुस्तान एक नए रूप में निकल कर आ रहा है तो जहां सरकार करे आम लोग करें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है हम उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एस आई हेल्पफुल हो सकता है मददगार हो सकता है उनके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू थैंक यू सो मच शुक्रिया फॉर है